इस देश के बीचों बीच बसा हिंदुस्तान का दिल कहलाता है राज्य मध्य प्रदेश, और इस दिल में धड़कता इसका एक छोटा सा गांव है पीथमपुर। इस छोटे से गांव की नन्ही आंखों में बसे बड़े सपनों को पंख देने के लिए डाबर उद्योग ने स्थापना की डाबर च्यवनप्राश फैक्ट्री की। हिंदुस्तान के घर घर में डाबर च्यवनप्राश बेहतर स्वास्थ्य के मजबूत नींव की पहचान रहा है, और अब इस पहचान की एक नींव मध्य प्रदेश में भी डाली गई है। मैं प्रमोद कुल्ले इस यूनिट का फैक्ट्री मैनेजर हूँ। डाबर च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बीमारियों से लड़ने और रोगों के रोकथाम के लिए काफी मददगार है। कि डाबर च्यवनप्राश की मुख्य सामग्री है आंवला, और जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी सहायक होती है। और हम यहाँ बनाते हैं पिष्टी जो आंवला से बनती है, और यह पिष्टी डाबर च्यवनप्राश की मुख्य सामग्री है। और लीजिए, पिष्टी बनाने के लिए ताजा आमले के सप्लाई भरे ट्रक्स आज फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। ट्रक से आता है, ट्रक से हम लोग उसको अनलोड करने से पहले क्वालिटी का चेक होता है। क्यूसी चेक करने के बाद इफ क्यूसी अप्रूव देन एंड देन वील अनलोड द आमला। मेरा नाम नरेश है, नरेश कुमार चड़ार। मेरा सपना था कि मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूँ। आज ही मेरा पहला दिन है तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सर, मैं यहाँ सार्डिंग का काम करता हूँ। आंवला फिल्टर होके आता है, फिल्टर होने के बाद जो सड़े गले या दागी आंवले जो रहते हैं उनको उठा के एक साइड करते हैं और अच्छा आंवले प्रोडक्शन में जाते हैं। और इस बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए मुझे अलग अलग राज्यों में भी जाना पड़ा, लेकिन मुझे आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि डाबर इंडिया कंपनी ने मेरे गांव के नज़दीक में ही प्लांट लगाया है जिसमें मुझे अवसर मिला है। यहाँ इन मशीनों में आंवलों से बीजों को हटाने के बाद इसके सार को भाप में पकाकर तिल के तेल और घी में मिलाकर 12 घंटों की प्रक्रिया के लिए अलग रख दिया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी इसी गांव से हूँ और डाबर इंडिया ने इसी गांव के स्कूल को बहुत अच्छा रिनोवेट किया है, तो मुझे ये बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव की शिक्षा के लिए डाबर इंडिया इतना अच्छा कार्य कर रहा है। सिर्फ नए रोजगार ही नहीं, एक आगामी और प्रगतिशील उद्योग होने के नाते डाबर का उद्देश्य है देश को अंदर से ताकतवर बनाना, उसकी नींव को मजबूत करना, ताकि देश का आज और उसका आने वाला कल दोनों जगमगाए। पहले मेरी बेटी समय से स्कूल नहीं जाती थी, उसका मन नहीं लगता था। जब से डाबर इंडिया ने मतलब वहाँ सहयोग किया है, अच्छी व्यवस्था जोड़ी, तब से मेरी बेटी समय से पहले स्कूल चली जाती है और मन लगा के पढ़ाई करती है। इससे हमको बहुत खुशी हुई। 12 घंटे की भाप के बाद अब हमारी पिष्टी पैकेजिंग के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले इसे एक और कसौटी से गुजरना होगा, और वो है गुणवत्ता यानी क्वालिटी टेस्ट। उन छोटे उपकरणों के साथ उस छोटे से कमरे के अंदर हो रहा परीक्षण अंत में तय करता है कि इनके पूरे दिन की मेहनत का सार उनके प्रयास को सार्थक करेगा या नहीं। जैसे च्यवनप्राश हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, वैसे ही डाबर उद्योग समाज को मजबूत बनाने में कार्यरत है। डाबर देश को मजबूत बना रहे हैं, हमारा भविष्य उज्जवल कर रहे हैं।